सर पहले तो VFX की शान है और VFX का अवार्ड है, क्या कुछ कहना चाहोगे आज के अवार्ड की शान? मुझे तो एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि ऑफकोर्स टेली चक्कर है एंड एवरी टाइम यू नो कमिंग अप विद सम डिफरेंट आइडियाज़ एंड ऑल दैट थिंग. तो VFX का भी जो नया अवार्ड फंक्शन है मेरे लिए कुछ नया ही है, कुछ नया सीखने के लिए एंड कुछ नया देखने के लिए. तो लेट्स सी हाउ थिंग्स गोना गो. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, अभी इंडस्ट्री चेंज हो गई, द ऑडियंस हैज़ चेंज, द क्राउड हैज़ चेंज. आज अगर आप देखोगे RRR जैसा फिल्म जिसने एक माइलस्टोन बनाया है, आज अगर उन्हें हमारे घर पे आज ऑस्कर है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है. VFX के नाम पे आज के डेट में आई थिंक मुझे लगता है इंडस्ट्री आज उसी के ऊपर चल रही है. आज के डेट में अगर मुझे पूछोगे तो ऑफकोर्स यार राजा मौली सर के साथ क्यों नहीं कोई करना चाहेगा, क्योंकि ऑफकोर्स उन्होंने तो इतने अच्छे अच्छे हमें बाहुबली दिखाया है. मक्खी से उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया था, VFX का सिलसिला उनका वहाँ से हुआ था, उनका थॉट प्रोसेस तब से था. एंड आज RRR 2 आने वाला है, उसके लिए अभी उनकी तैयारी चालू है. बट ऑफकोर्स यार हॉलीवुड के डायरेक्टर्स, बड़े बड़े डायरेक्टर्स जैसे कि जेम्स कैमरॉन देन स्टीवन स्पिलबर्ग एंड ऑल दैट थिंग, ये तो कई सालों से करते आ रहे हैं. बट हमारे बॉलीवुड में जो अभी इसका जो सिलसिला शुरू हुआ है, जैसे कि शाहरुख सर की फिल्म थी रावण एंड बहुत सारे अभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, जैसे कि अभी इवन पठान में भी बहुत सारे VFX यूज़ किए गए हैं. सो मुझे लगता है कि VFX का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री में. थैंक यू सो मच.